ये सप्ताह यानी कि पेबैक वीक पंटर के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा। बैक टू बैक अच्छे मैच देखने को मिले हैं और बहुत सारे टीम जैसे कि आरसीबी एसआरएच को हराई, उसमें अच्छा मैच हुआ, काफी शानदार मैच हो रहे हैं। और जैसा बोल रहा हूँ, अगर डेली वीडियो देख रहे हो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा मैच हो रहा है। तो डबल हेडर मैच है सैटरडे का, पहला डबल हेडर मैच है ये आईपीएल 2024 का सैटरडे के दिन। और दोस्तों जैसा कि जानते हो 44वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल, आपको 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला सैटरडे का दिन। और 3:30 PM वाला जो मैच है उसका वीडियो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, जाके देख लेना, वो भी देख लेना, मैच में कमा के उठोगे। तो लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मैच है जहां पॉइंट टेबल के पहले पोजीशन की टीम लखनऊ सुपर जायंट, यहां राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट पॉइंट टेबल के चौथे पोजीशन पे टीम, काफी दोनों टीमें स्ट्रांग है। और लास्ट मैच जैसे चेस करके आ रही है 210 रन लखनऊ सुपर जायंट, मार्कस स्टोइनिस का परफॉर्मेंस भी आ गया, वर्ल्ड कप जैसे आते जाते ऑस्ट्रेलिया प्लेयर फॉर्म में आते जाते हैं। तो मैच काफी शानदार होने, धमाकेदार मैच होने वाला है, वीडियो क्लास में बने रहिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या होने वाला मैच में, कौन सी टीम अच्छा करेगी, पिच रिपोर्ट क्या कहता है, डी मिलोन टीम, सब कुछ आपको मिलने वाला है, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। मैच हो रहा है कान्हा स्टेडियम लखनऊ में, पांचवा मुकाबला खेला जाएगा और चारों मुकाबला काफी अच्छे देखे गए हैं, कोई भी मैच यहां पे स्टेट देखने को नहीं मिला है, चार मुकाबले हुए हैं, चारों मुकाबले अच्छे देखे गए। तो एक और धमाकेदार मैच होने वाला है, काफी कलरफुल मैच होगा। तो 27 अप्रैल सैटरडे को मैच खेला जाएगा 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, क्योंकि दोस्तों ये मैच है पॉइंट टेबल के क्वालिफायर रेस के लिए। अब जितने भी मैच बचे हुए हैं, आधे से ज्यादा मैच हो चुके हैं, देख सकते हो जो भी टीम बची हुई है अपने जी जान लगा दे रही है जीतने के लिए। जहां राजस्थान ये मैच जीत के क्वालिफाई रेस में सियोर अपना मतलब सियोर कंफर्म जगह बनाना चाहेगी, लखनऊ सुपर जायंट पॉइंट टेबल पे ऊपर जाना चाहेगी। 7290011199 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैच और सेशन के अपडेट के लिए कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 9711549525 दूसरा नंबर है, पहले नंबर पे रिप्लाई ना मिले तभी दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैच सेशन अपडेट के लिए काफी प्रॉफिटेबल काम दिया जा रहा है, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी आप काम चेक कर लेना, सुपर से भी ऊपर काम दिया जा रहा है। पिच रिपोर्ट बात करेंगे, 10 मैच खेले जा चुके हैं, 6 फर्स्ट बैट 4 सेकंड बैट 162 के एवरेज स्कोर 199 लखनऊ सुपर जायंट हाईएस्ट बनाई 108 पे 10 लोएस्ट है, 150 किलो 3 मैचों में 150 से 69, 3 मैचों में 170 से 89, 2 मैचों में 190 अबव 2 मैचों में लगे हैं, 176 यहां पे हाईएस्ट चेस है। लास्ट मैच एलएसजी वर्सेस सीएसके का मैच था, यहां पे हुआ था जो कि चेस हुआ था। इस सीजन काफी अच्छे मैच देखने को मिले, देखो पिछला सीजन तो आईपीएल 2023 का मैच ऐसे हुए थे जैसे लग रहा था कि 125 तक डिफेंड हो गया था, 136 तक डिफेंड हुआ था, समझो कि 130 लगा मैच जीत जाती थी टीम, ऐसा था। लेकिन इस सीजन पिच को चेंज किया गया, वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप की वजह से इस पिच को चेंज किया गया और आपको स्कोर देखने को मिले 176 इस पिच पे चेस होकर आ रही है, 167 यहाँ पे चेस करके दो मैच हाईएस्ट इस पिच का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रही है चेसिंग के मामले में। 2023 तक 160 से ज्यादा चेसिंग नहीं हुआ था इस पिच पे। एलएजी 163 भी बनाई जो कि डिफेंड जीटी के अगेंस्ट डिफेंड हुआ 199 पे, दो डिफेंड दो चेस करके आ रहे हैं। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छे पोजीशन पे इस सीजन 3 मैच जीती है इस पिच पे, और एलएजी वर्सेस डीसी वाला भी मैच काफी क्लोज हुआ था लखनऊ के फेवर में, लेकिन डीसी मैच चेस करके जीती थी, जैकपॉट टाइप का मैच हुआ था। पिच के बारे में बात करेंगे, पिच तो देखो इकाना स्टेडियम हमेशा स्लो नेचर के पिच के लिए जाना जाता है, लेकिन हाँ ड्यू अभी तो नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा 175 प्लस स्कोर यहाँ पे इस पिच पे डिफेंडेबल होगा या जो भी फर्स्ट बैट पे होगी यहाँ पे बुक सेट करा देगी। एक्सपेक्टेड स्कोर है 155 से 180 के बीच स्कोर यहाँ पे लगने वाला है और दोनों टीम के पास पावर हीटर बैट्समैन है, जैसा कि देख सकते हो राजस्थान पॉइंट टेबल के टॉप पर, ऐसे नहीं जो बटलर, यहाँ तक सचिन जायसवाल भी लास्ट मैच में सेंचुरी बना के फॉर्म में आ गए हैं, बटलर भी फॉर्म में आ गया, दो सेंचुरी बना दिया, सारे प्लेयर इनके फॉर्म में है दोनों टीम की तरफ से। लखनऊ सुपर जायंट 11 मैच खेली है, 6 जीती है, 4 हारी है, 1 नो रिजल्ट रहा है, 199 हाईएस्ट 108। और राजस्थान रॉयल इस पिच पे पहली बार मैच खेलने वाली है मुकाबला, 4 मैच दोनों टीम खेल चुकी है अभी तक, 1 लखनऊ ने जीता है, 3 राजस्थान ने जीता है। इस सीजन एक मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था भाई मेरे, काफी धमाकेदार मैच हुआ था लखनऊ वर्सेस राजस्थान, राजस्थान ने 93 रन डिफेंड कराया था, चेस की थी, चेस कर रहे थे लखनऊ, चेस नहीं हो पाया था, क्लोज ही मैच हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो एलएसजी 154 खेली है, मतलब सवाई मानसिंह स्टेडियम पे ही, अब आगे आप देख सकते हो 193 से ज्यादा अभी तक स्कोर नहीं बना है, स्लो नेचर का पिच है इस पिच पे, जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस होते जाता है, ध्यान रखिएगा इस स्टेडियम का खासियत है कि सेकेंड बैट करते हुए टीम काफी दिक्कत होता है, ड्यू आएगा तभी हाई स्कोर चेस होगा 175 प्लस, ड्यू के बिना यहाँ पे मुश्किल है, पिच स्लो हो जाता है, स्पिनर अटैक आने लगते हैं, स्पिनर और पेसर दोनों के लिए पिच सूटेबल है, पेसर जहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट लेते हुए आएंगे,
स्पिन अटैक यहाँ पे जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होते जाएगा स्पिन अटैक यहाँ पे मैच में आते बनेंगे और विकेट लेते हुए नजर आएंगे। देख सकते हो रिसेंट फॉर्म पॉइंट टेबल के, जहाँ पहले पोजीशन की टीम राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट, चौथे पोजीशन की टीम अभी तक 3 मैच हारी है, राजस्थान रॉयल मात्र 1 मैच हारी है, वो भी काफी क्लोज मैच था, जीटी वाला मैच 196 चेस करना था, राशिद खान ने चेस करवाया था। टीम न्यूज, लखनऊ सुपर जायंट केएल राहुल स्क्वाड को लीड करेंगे, मयंक यादव इस मैच में खेल सकते हैं और बहुत दिनों से अपडेट आ रही है अब फिट होंगे लेकिन फिट हो चुके हैं, खेल सकते हैं मैच में। राजस्थान की तरफ संजू सैमसन स्क्वाड को लीड करेंगे, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट मैच में देख सकते हो संदीप शर्मा ने राजस्थान में आते आते 5 विकेट हॉल लिया मुंबई वाला मैच में। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11, डीकॉक, केएल राहुल, आयुष बर्दन, मार्कस टर्नी, निकोलस पुरन, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान या मयंक यादव, मैट हेनरी, यश ठाकुर, दीपक हुडा या एम सिद्धार्थ। इंपैक्ट में सिद्धार्थ, दीपक हुडा रह सकता है। यहाँ पे राजस्थान की यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पड़ैया, ध्रुव जरा, सिमरन हेटमैट, रोमन पॉल, रविंद्र चंद्र अश्विन, ट्रेंट बॉल, आवेश खान, संदीप शर्मा, युजेंद्र चहल, जस बटलर। कुणाल पांड्या इस पिच पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है बॉल से यहाँ पे कुणाल पांड्या, कभी कभी बैट से भी अच्छा चल जाते हैं। मार्कस टर्नी के मिडिल ऑर्डर में जो कि लखनऊ की कमी खल रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मार्कस टर्नी के आ जाने के बाद परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे टीम काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, जहाँ सारे बैट्समैन इनके पास पावर हिट है। बैट्समैन डीकॉक ले लो, केएल राहुल ले लो, आयुष बडोनी, मार्कस टर्नी, निकोलस पुरन, कुणाल पांड्या, देख सकते हो तो बैटिंग की कमी नहीं है, वैसे बॉलिंग की भी कमी नहीं है, काफ़ी वेल बैलेंस टीम है राजस्थान रॉयल। हर मैच कंटिन्यू यहाँ पे जीत के आ रही है, 1 मैच हारने के अभी पॉइंट ऑल सबसे टॉपर के यशस्वी जायसवाल फॉर्म में भी आ गया, संजू सैमसन फॉर्म में है, रियान पड़ैया, ध्रुव जोरल, सिमरन हेटमैट, रोमन पॉवेल, रविंद्र चंद्र अश्विन खेल लेता है थोड़ा बहुत, स्पिनर की कमी नहीं है दोनों टीम के पास, जहाँ रवि बिश्नोई या कुणाल पांड्या लखनऊ में, वही रविंद्र चंद्र अश्विन और युजेंद्र चहल स्पिनर में यहाँ पे अच्छा विकेट लेते हुए नजर आएंगे। संदीप शर्मा फॉर्म में आ गया है, ट्रेंट बोल्ट है। टीम कंपटीशन काफी कलरफुल मैच होने वाला है, 50 पैसे से 50 पैसे वाला रेट मिलेगी, मोटा माल कमा के उठेगा भाई, ऐसे मैच होगा, ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, पंटर को कमाने वाला मैच है। प्लेइंग 11 फैंटेसी टीम के लिए पिक के लिए, संजू सैमसन, केएल राहुल, पूरन, यशस्वी जायसवाल, मार्कस टर्नी, कुणाल पांड्या, रियान पड़ैया, युजेंद्र चहल, ट्रेंट बॉल, रवि बिश्नोई, और भाई मेरे कैप्टन बना रहा हूँ रियान पड़ैया, वॉइस कैप्टन कुणाल पांड्या। रियान पड़ैया 2-3 मैच से नहीं परफॉर्म किया, इसे मौका नहीं मिल रहा है, ऊपर के बैट्समैन ही मैच को फिनिश कर देना, तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ रही है बैटिंग के लिए। हालांकि कुणाल पांड्या और युजेंद्र चहल यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन रहेंगे वॉइस कैप्टन के लिए। फैंटेसी गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। 7290111 मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दो, 9711549525 दूसरा सेकेंडरी नंबर है, पहले नंबर का रिप्लाई ना मिले, मैच सेशन से कुछ भी अपडेट हो तभी आप हमें सेकेंड नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, काफ़ी धमाकेदार काम दिया जा रहा है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर लेना और कमेंट में बताओ कौन सी टीम जीतने वाली है, मैच तो काफ़ी धमाकेदार, मिस मत करना, कमा के उठोगे किसी टीम पे बैठोगे। वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, 2 में से 1 मैच जैकपॉट होने वाला है, ये भी ध्यान रखना।